दोस्तों, आप सभी का पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है यह छोटे छोटे घरेलू नुस्खों को अपनाने से आप स्वस्थ और सुंदर शरीर के मालिक बन सकते हैं। ध्यान से सुने और पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। नंबर वन, बड़ी इलायची और खजूर को साथ में खाने से बूढ़ी महिला भी जवान दिखने लगती है। नंबर दो, कोई भी छोटा मोटा जहरीला कीड़ा शरीर के किसी हिस्से पर काट लेता है तो मूली का रस लगाने से आराम मिलता है। नंबर तीन, सुबह अपने छत पर पक्षियों के लिए ताज़ा पानी रखने से घर में बरकत होती है। नंबर चार, जो महिलाएं पहली रोटी मोड़ कर रखती हैं, घर में बरकत होती है। नंबर पाँच, यदि आप गैस से परेशान हैं तो अदरक के टुकड़े पर काला नमक लगाकर चूसते रहने से धीरे धीरे गैस बनना बंद हो जाता है। नंबर छः, अगर शरीर कहीं कट या छिल जाए, तुरंत शहद लगा लेने से इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, घाव जल्दी भर जाता है। नंबर सात, अनार का जूस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कम करता है और दिल स्वस्थ रखता है और खून की कमी नहीं होती। नंबर आठ, तांबे के बर्तन में 8 से 10 घंटे पानी रख कर पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहता है और वजन कम करने में मदद करता है। नंबर नौ, सर में दर्द होने पर लौंग को तावे पर भून ले और भुनी हुई लौंग सूंघने से सर दर्द तुरंत बंद हो जाता है। नंबर दस, नित्य सवेरे कच्चा दूध चेहरे पर लगाने से चेहरे पर निखार आने लगता है। नंबर ग्यारह, दुबले पतले शरीर वाले खजूर और भुना हुआ चना का सेवन एक साथ करते हैं तो वजन तेजी के साथ बढ़ता है और कमजोरी भी दूर होती है। नंबर 12, ज़्यादा चाय पीने से हड्डियाँ कमजोर होती है और ग्रीन टी पीने से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। नंबर 13, दाग धब्बे चेहरे का दूर करने के लिए टमाटर का रस और दही मिलाकर चेहरे पर लगा के 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें, 15 दिनों में असर दिखने लगेगा। नंबर 14, पैर के तलवे पर सरसों के तेल रोजाना मालिश करने से आँखों को फायदा मिलता है। नंबर 15, सर्दी जुकाम में कपूर पानी में डालकर उबालें और उसका भाप लें, बहुत फायदा करता है। नंबर 16, गन्ने के रस में नींबू मिलाकर पीने से चेहरे की झाइयाँ समाप्त होती हैं। नंबर 17, कद्दू को काटकर आँखों पर लगाने से आँखों की रोशनी तेज हो जाती है। नंबर 18, एक मोटी रोटी बनाकर उस पर सरसों का तेल और हल्दी डालकर गरम गरम मोज पर बांधने से लाभ होता है। नंबर 19, रिसर्च में पाया गया है कि भुना हुआ लहसुन शिलाजीत का काम करता है। इसमें एलिसिन होता है जिससे शारीरिक कमजोरी से बचा जा सकता है। नंबर 20, अंगूर का जूस पीने से लिक्योरिया की बीमारी ठीक होती है। धन्यवाद।